नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारी यूट्यूब चैनल नी अंदर। धोरण 10 नी अंदर गणित विषय में आज आप प्रकरण 4 नी वात करशुं, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स। आ चेप्टर ना जे विभाग ए ना जे नाना प्रश्नों छे एनी चर्चा करवाना छे, बराबर। आ रीतना दरेक विभाग प्रमाण विडियोस छे मुकाता रहता होय छे स्वाध्यायपोथी में, विभाग ए बी सी एवी रीतना अगाउ पण चेप्टर ना मुकाई गया छे विडियो आवा, बराबर। सोल्यूशन साथ मोटा दाखलाओ है यहाँ आप जया अगौ चेप्टर ने तब जया हे न जो तो जो लो ऊपर वीडियो सेक्शन की बाजू में प्लेलिस्ट है, यहाँ पर तमने सरलता से मिली जैसे स्टैंडर्ड 10th स्वाध्याय पोथी अलग थी प्लेलिस्ट है, यहाँ जासो ने अंदर आवा घा बदा वीडियोस है, बराबर। साथ बीजा अलग अलग विषय स्वाध्याय लगता तमने प्लेलिस्ट जवाब मैं तो ये तब जो लो परीक्षा की परिणाम तब तैयारी करजो, बराबर। विभाग ने शुरुआत करिए, सूचना मुजब जवाब आपो। जेवा पहला प्रश्न विधान खराक है कि खोटा जणावानु छे। पहलू है समीकरण आप एक्स स्क्वेर वत्ता तरह एक्स माइनस बे बराबर जीरो, ये वास्तविक बीज नहीं, एम आ खोटू। बीजू है समीकरण एक्स स्क्वेर माइनस 10x वत्ता 25 बराबर जीरो बीज भिन्न है, एम आ खोटू। तीजू समीकरण एक्स स्क्वेर वत्ता 8x वत्ता 21 बराबर जीरो विवेचक माइनस 20 है, एम आ साचु एट खरुँ। चौथु समीकरण एक्स स्क्वेर माइनस 5x वत्ता 4 बराबर जीरो बीजन सरवाड़ माइनस 5 है, एम खोटू। पांचमू समीकरण एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर जीरो बीजन गुणाकार माइनस 1 है, एम खरुँ। छठू समीकरण एक्स स्क्वेर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो ने वास्तविक बीज नहीं, एम आ खरुँ। सातमू द्विघात समीकरण ओछा में ओछा बे बीज वास्तविक बीज हो खोटू। आठमू समीकरण 25x स्क्वेर माइनस 5x माइनस 11 बराबर जीरो विवेचक माइनस 63 है, एम आ खोटू। नवमू समीकरण एक्स स्क्वेर माइनस 4x वत्ता 4 बराबर जीरो बीज सामन है, एम आ साचु एट खरुँ। दसमू जो कोई द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वेर सहगुणक तथा अचल पद की संज्ञाओं विरोधी हो तो ये समीकरण बीज वास्तविक हो, साचु ले खरुँ। बीजो प्रश्न है दरेक प्रश्न नीचे आप विकल्प में साचो विकल्प पसंद कर जवाब लखवा है। पहलू है जो एक्स बराबर एक के समीकरण एक्स स्क्वेर वत्ता एक्स वत्ता 3 बराबर जीरो समीकरण एक्स स्क्वेर वत्ता एक्स वत्ता बी बराबर जीरो सामान्य बीज हो तो ए बी बराबर शू थे तो ए बी ना गुणाकार शू थे 3 थे तो जवाब में ये ऑप्शन आ 3। बीजू जो समीकरण 3x स्क्वेर वत्ता 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के प्लस 5 बराबर जीरो ना बीज अल्फा ना बीटा हो तो अल्फा वत्ता बीटा बराबर अल्फा गुणिया बीटा हो तो के शू थे तो के ना जवाब 4 आए तो जवाब में सी ऑप्शन आ 4। तीज समीकरण एक्स स्क्वेर वत्ता 5x वत्ता 5 बराबर जीरो विवेचक की किमत खाली जगह थे तो जवाब में ये ऑप्शन आ 5। चौथु है वर्गमूल में 6 वत्ता वर्गमूल में 6 वत्ता वर्गमूल में 6 रीते अनंत सुधी चाले राखे तो जवाब में शू आ जवाब में बी ऑप्शन आ 3। पांचमू समीकरण खाली जगह बीज बी ए माइनस 1 है तो क्यों आ समीकरण जवाब में डी आ एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर जीरो एना बीज बी ए माइनस 1 है। छठू जो समीकरण 6x नो स्क्वेर माइनस के एक्स वत्ता 2 बराबर जीरो नो विवेचक 1 हो तो के बराबर शू थे के बराबर प्लस और माइनस 7 थे तो जवाब में सी आ। सातमू समीकरण वर्गमूल में 2x स्क्वेर वत्ता 9 बराबर 9 ना बीज खाली जगह है तो जवाब में बी आ प्लस और माइनस 6। आठमू जो समीकरण एक्स स्क्वेर वत्ता बी एक्स वत्ता सी बराबर जीरो ए नॉट इक्वल टू जीरो ना बीज सामन हो तो सी बराबर शू थे जवाब में बी आवशे वी स्क्वेर छेद में 4a। नवमू जो समीकरण 12x स्क्वेर वत्ता एम एक्स वत्ता 5 बराबर जीरो ना बीज वास्तविक ने सामन हो तो एम बराबर खाली जगह तो जवाब में सी आवशे प्लस और माइनस 4 वर्गमूल 15। दसमू द्विघात समीकरण 3x नो स्क्वेर माइनस 4x वत्ता 1 बराबर जीरो ना उकेल शू आए तो जवाब में आवशे 1 ने 1 ना छेद में 3। अगियारमू समीकरण 2x स्क्वेर माइनस 5x वत्ता के बराबर जीरो एक बीज 7 छेद में 2 हो तो के शू मे के मे माइनस 7 जवाब में बी आ। बारमू जो समीकरण 2x स्क्वेर वत्ता 5x माइनस के बराबर जीरो विवेचक 81 हो तो के शू मे तो जवाब में बी आ 7। तेरमू समीकरण 3x माइनस 14 नो होल स्क्वेर बराबर जीरो हो तो विवेचक की किमत के लिए थी तो जवाब में आ सी विवेचक की किमत 0 थी। चौदमू है समीकरण एक्स स्क्वेर माइनस 8 ना छेद में एक्स स्क्वेर वत्ता 20 बराबर 1 ना छेद में 2 हो तो बीज शू थे तो जवाब में सी आ प्लस और माइनस 6। पंदरमू द्विघात समीकरण एक्स स्क्वेर वत्ता बी एक्स वत्ता सी बराबर जीरो विवेचक मूल्य शू थे तो जवाब में बी आ डी बराबर बी स्क्वेर माइनस 4ac। सोलमू द्विघात समीकरण एक्स स्क्वेर वत्ता 6x वत्ता 9 बराबर जीरो विवेचक मूल्य खाली जगह थे तो जवाब में बी आ 0। सत्तरमू जो बी स्क्वेर माइनस 4ac बराबर खाली बराबर जीरो हो तो द्विघात समीकरण बे सामन वास्तविक उकेल मे तो जवाब में डी आ बराबर। तीजो प्रश्न है प्रत्येक विधान साचु बने रीते खाली जगह पूरवाने से जमा पेलू है संख्या तथा व्यस्त सरवाड़ो 10 ना छेद में 3 है
आ विधान द्वारा मळतो द्विघात समीकरण तेना प्रमाणित रूप में खाली जगह थाय तो जवाब आवशे 3x² - 10x + 3 = 0। बीजुं द्विघात समीकरण 3x - 5 ने 5x - 3 = 0 ना बीज खाली जगह है तो जवाब आवशे 5/3 ने 3/5। तीजु जो 1/2 समीकरण x² - 5x - 4 = 0 ना एक बीज हो तो के बराबर शू थे तो जवाब आवशे 2। चौथो छे वर्गमूल में 2 + 2 + 2 अनंत सुधी हो मूल्य खाली जगह थे तो जवाब आवशे 2। पांचमो छे 2 क्रमिक धन अयुग्म पूर्णांकों गुणाकार 143 है तो 2 पूर्णांकों खाली जगह है तो जवाब आवशे 11 અને 13। छठो छे 2 क्रमिक धन युग्म पूर्णांकों वर्गों सरवाळो बावन हो तो संख्याओ खाली जगह है तो जवाब आवशे 4 અને 6। सातमो x² + 6x - k = 0 नो एक बीज 4 हो तो के बराबर खाली जगह तो जवाब आवशे -40। आठमो जो द्विघात समीकरण के x² - 4x - 4 = 0 नो विवेचक 64 हो तो के बराबर खाली जगह तो जवाब आवशे 3। नवमो द्विघात समीकरण x² - b² = a + b - a - b ના બીજ શું થાય જવાબ આવશે +/-a+b। દસમો સમીકરણ x² √2x - 4 = 0 ના વિવેચકની કિંમત ખાલી જગ્યા થાય જવાબ આવશે 18। ચોથો પ્રશ્ન છે નીચેના પ્રત્યેક પ્રશ્નના જવાબ માટે એક સંખ્યા અથવા એક શબ્દમાં જવાબ લખવાનો છે જેમાં પહેલું છે દ્વિઘાત સમીકરણ ax² + bx + c = 0 ના બીજ ભિન્ન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય તો તે માટેની શરત લખવાની। ભિન્ન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ ક્યારે થાય તો કે b² - 4ac <greater than 0 હોય તો એ શરત થશે b² - 4ac <greater than 0। બીજું છે શું 0.2 સમીકરણ x² - 0.4 = 0 નું બીજ છે તો જવાબમાં આવશે ના। ત્રીજું સમીકરણ 3x² - 7x + 2 = 0 નો વિવેચક શોધો તો જવાબમાં આવશે 25। ચોથું દ્વિઘાત સમીકરણ x² + bx + c = 0 ના બીજ પરસ્પર વાસ્તવિક વ્યસ્ત સંખ્યાઓ હોય તો તે માટેની શરત જણાવો અને જવાબમાં આવશે a = c। પાંચમું સમીકરણ 7√3x² + 10x - √3 = 0 નો વિવેચક શોધો જવાબમાં આવશે 184। છઠ્ઠું સમીકરણ 3x² - 2x - 1 = 0 નો વિવેચક શોધો તેમાં આવશે 16। સાતમું દ્વિઘાત સમીકરણ x² - 2x - c = 0 નું એક બીજ 5 હોય તો તે બીજું બીજ શોધવાનું છે તો -3 જવાબમાં આવશે। આઠમું છે દ્વિઘાત સમીકરણ 3x² + kx + 18 = 0 નું એક બીજ 2 હોય તો બીજું બીજ શું થાય તો જવાબમાં આવશે 3। નવમું છે દ્વિઘાત સમીકરણ 49x² - kx - 81 = 0 ના બીજ પરસ્પર વિરોધી સંખ્યા હોય તો k શોધો તો k આવશે 0। દસમું છે શું 1/2 સમીકરણ x² - 0.25 = 0 નું બીજ છે તો જવાબમાં આવશે હા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા અલગ અલગ નાના પ્રશ્નોના જવાબો। વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો। ઘણા બધા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે, અલગ અલગ દાખલાઓના પણ વિડીયો વિભાગ પ્રમાણેના મુકાતા રહેતા હોય છે, તો એ પણ જોઈ લેજો। ન જોયો તો ફરી પાછા ના વિડીયો સાથે મળીએ ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।